सिर्फ 48 मेगापिक्सल और टाइप सी की वजह से क्या आपको आईफोन 15 लेना चाहिए? बेटे डायनामिक आइलैंड भी है इसमें। हाँ, एक ऐसा आइलैंड जहाँ आप रह नहीं सकते। खैर, दिस इज आईफोन 15 एंड आई एम यूजिंग इट फ्रॉम पिछले कई दिनों से, तो कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, मतलब सारी चीजें हम बिल्कुल गहराई में जाके टेस्ट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें सुनने के बाद आप अपनी किडनी भी बेचने को तैयार हो जाओगे, और कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें सुनने के बाद आप कहोगे कि आईफोन 15 को लॉन्च होने की क्या जरूरत थी भाई, बेसिकली आपको ये लेना चाहिए या नहीं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बस वीडियो पूरी देख लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इन हैंड फील और डिजाइन की, क्योंकि आज की दुनिया में अच्छी शक्ल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिखने में काफी ठीक ठाक है, अगर कोई भी इसे देखेगा तो देखते ही रिश्ता पक्का समझो, मतलब हाँ बोल देगा खरीदने के लिए। पकड़ने में थोड़ा सा कंफर्ट फील होता है और थोड़ा सा हल्का भी है, सिर्फ 1 ग्राम। आईफोन 13, 14 की तरह बैक पैनल वाले कोने आपकी हथेली में चुभेंगे नहीं, क्योंकि पीछे वाले एजेस को थोड़ा सा कर्व डिजाइन में तब्दील कर दिया है। अगर पीछे का पूरा थोबड़ा चेंज हो जाता तो मजा ही आ जाता। इन एंड फील सच में काफी प्रीमियम फील होती है। इसके बैक पैनल से चिकना वाला ग्लास गायब करके पूरा बैक मैटे फिनिश में कर दिया है, तो 13-14 की तरह इसके बैक पैनल पे उंगलियों के निशान तो नहीं छपेंगे, लेकिन कवर जरूर लगा लेना यार, क्योंकि ये ग्लॉसी ग्लास से भी ज्यादा स्लिपरी है, तो हाथों से फिसलने का डर लगा रहता है। लेकिन रंग का हिसाब किताब थोड़ा सा अजीब लगा, ऐसा लगता है जैसे नीले कलर को धूप में सुखाने के बाद उसका कलर उड़ गया हो, या फिर एडिटिंग में ब्राइटनेस बढ़ा दी हो। वॉल्यूम या पावर बटन दबाने पर वही पुरानी वाली सेम फील आती है, लेकिन एक मिनट, स्लाइडर अभी जिंदा है मेरे दोस्त। सोते टाइम अगर कॉल आ जाए तो यहाँ से आईफोन को साइलेंट करके वापस सो जाने का अपना अलग मजा है, लेकिन ये मजा सिर्फ सिंगल लौंडे ले सकते हैं, गर्लफ्रेंड वालों की इतनी हिम्मत कहाँ। डिस्प्ले वही है 14 वाली, लेकिन डायनामिक आइलैंड की वजह से साइज तो सेम है, बस थोड़े से रेजोल्यूशन बढ़ गए हैं, बाकी डिस्प्ले डेंसिटी, कलर्स या फिर कॉन्ट्रास्ट रेशियो वही 14 वाला है। थोड़ी सी डाइटिंग करके वेजल्स भी थोड़े पतले हो गए, तो फ्रंट से देखने में स्क्रीन का तामझाम काफी अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन डिस्प्ले में उंगली करने पे ना कुछ नया नया और अलग सा फील होता है। पूरे ब्रह्मांड को पता है कि इसके अंदर 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, पर पुराने मॉडल्स के मुकाबले थोड़ा स्मूथ और हल्का हल्का सा फील होता है। स्क्रॉलिंग चाहे फास्ट करो चाहे हल्के करो, सारी चीजें काफी आराम से हो जाती है। इंडोर में तो ब्राइटनेस की कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सारी चीजें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे जाती है, बट आउटडोर के लिए काफी बड़ा अपग्रेड है। मैक्स 2000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस जा सकती है, मतलब अगर आप डायरेक्ट सूर्य देवता के कांटेक्ट में खड़े होके आईफोन को यूज करते हो तब भी सारी चीजें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे जाती हैं। लेकिन एक दिक्कत है, अगर आप आउटडोर में यूज करते हो तो थोड़ा आगे चल के बताऊंगा। वीडियोस देखने वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, काफी मस्त पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है, कलर कॉन्ट्रास्ट, ओवरऑल जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है ना नेक्स्ट लेवल मिलता है, और एंगल्स भी काफी खतरनाक वाले हैं भाई। हालांकि कोई इतना घुमा फिरा के स्क्रीन को देखता नहीं है, लेकिन वैसे हमने 12, 13, 14 सारे मॉडल्स यूज कर रखे हैं, लेकिन 60 हर्ट्ज रिफ्रेश होने के बावजूद भी 15 में स्मूथनेस उन सबसे अच्छी देखने को मिलती है। नाउ टॉक अबाउट 48 मेगापिक्सल कैमरा। एप्पल 8 सालों के बाद फाइनली अपनी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन को तोड़ चुका है भाई। काफी तगड़ा अपग्रेड देखने को मिलता है, मतलब दिन में, दोपहर में, रात में, आधी रात में, मतलब हर कंडीशन में हमने इसका कैमरा यूज करके देखा, एंड बी गॉट काफी खतरनाक वाला रिजल्ट। शुरुआत नॉर्मल फोटोज से करते हैं, और फोटोज देखने के बाद हर कोई बोल सकता है दम तो है 48 मेगापिक्सल में। एक्चुअली इमेज के अंदर सारी चीजों को बिल्कुल नेचुरल रखने की कोशिश करी जा रही है। स्किन टोन 14 के मुकाबले काफी इम्प्रूव्ड हो गई है, कलर्स भी काफी उभर के सामने आते हैं, और 15 के फोटोज में लाइटिंग भी थोड़ी एक्स्ट्रा मिल जाती है, और हार्श लाइट में भी एक्सपोजर काफी अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। ये सारे फोटोज बहुत ही खतरनाक वाली धूप में खींचे हैं, एंड यू कैन सी आसपास के पेड़ पौधे या ओवरऑल इमेज में कलर्स काफी हद तक नेचुरल्स ही रहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे अपलोड करने के लिए एडिटिंग की तो जरूरत पड़ेगी। बाकी बादल वगैरह भी काफी ठीक ठाक कैप्चर हो जाते हैं, डिटेलिंग काफी मस्त वाली आ जाती है, बट धूप में कभी कभी शक्ल थोड़ी सी काली हो जाती है। नॉर्मल फोटोज रात में भी काफी खतरनाक वाले आते हैं भाई, मतलब लो लाइट में भी काफी अच्छी डिटेलिंग और क्वालिटी मिल जाती है, शक्ल कहीं कहीं बिल्कुल नेचुरल रहती है, अगर जूम करके देखोगे तो भी डिटेल्स काफी हद तक गायब नहीं होती, बट कहीं कहीं शक्ल पे थोड़ा सा टिंट इफेक्ट आने लगता है। अब लाइटिंग कंडीशन की वजह से भी हो सकता है, या फिर इमेज प्रोसेसिंग भी इसकी वजह हो सकती है, लेकिन रात में कलर इतने अच्छे नहीं आते। अब मेरी शर्ट देखो, कहीं कहीं पे लाइट दिख रही है और कहीं कहीं पे डार्क हो जाती है, या फिर बैकग्राउंड कलर्स भी कभी लाइट हो जाते हैं और कहीं कहीं डार्क। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि रात में कलर्स की गारंटी नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम जैसे नॉर्मल लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप चाहो तो थोड़ी सी मेहनत करके कलर्स भी ठीक कर सकते हो। लेकिन सेल्फी काफी मस्त वाली आती है भाई, जब आप कैप्चर करोगे तो भले ही आपको अपनी शक्ल इतनी अच्छी ना दिखे, बट आफ्टर प्रोसेसिंग मेरी तरह बिल्कुल स्मार्ट वाली फोटोज कैप्चर कर सकते हो, एंड दिन में भी काफी तगड़ी वाली क्वालिटी मिल जाती है। वैसे फ्रंट कैमरा पुराना वाला ही है, अपग्रेड के नाम पे बस SDR5 दे दिया है, लेकिन
लेकिन हार्श लाइट में भी कहीं भी ओवर एक्सपोजर देखने को नहीं मिलता। पुराने मॉडल्स में सेचुरेशन बढ़ जाता था, लेकिन इतनी ज्यादा हार्श लाइट में, मतलब डायरेक्ट सूर्य देवता के कॉन्टेक्ट में भी इतनी अच्छी शक्ल आ जाती है। अच्छा, लॉन्चिंग के टाइम पे पोर्ट्रेट्स की काफी ज्यादा तारीफ करी गई थी, तो हमने काफी सारे पोर्ट्रेट्स खींचे हैं भाई, एंड सच में काफी खतरनाक रिजल्ट मिलता है भाई। फोटोज देख के बिल्कुल DSLR वाली फीलिंग आती है, लाइक काफी तगड़ा वाला बोके क्रिएट हो जाता है बैकग्राउंड में, मतलब ये समझो मजा आ जाएगा। और आप पोर्ट्रेट्स को बिना एडिट करे अपने इंस्टा पे अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैनुअल बैकग्राउंड ब्लरिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। सिनेमैटिक मोड की तरह 15 सीरीज में नॉर्मल फोटो को भी आप पोर्ट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड एजेस भी बिल्कुल परफेक्टली सेट हो जाते हैं। बाकी आप चाहो तो दोबारा से नॉर्मल कर सकते हो। इसमें 2x जूम डाली गई है, जिसका परिणाम कुछ इस प्रकार है। तो नॉर्मल फोटोज तो हर बार की तरह अच्छी खासी आ जाती है, पर तीनों फोटोज को अगर साइड बाई साइड रख के देखो, जैसे जैसे जूम बढ़ाते जाओगे, फोटो के अंदर से कलर्स, कॉन्ट्रास्ट, डायनामिक रेंज, या फिर तीनों फोटोज को ना साइड बाई साइड देखोगे तो कलर्स में काफी ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। बाकी स्लो मोशन ठीक ठाक रिकॉर्ड हो जाता है, 120-240 का ऑप्शन मिल जाएगा, और हवा में उड़ते हुए भाई अलग ही मजा आता है। लेकिन ज्यादा हवा में उड़ना नहीं चाहिए, पर गौर से देखोगे तो हल्का हल्का नॉइज आ रहा है वीडियो में। सिनेमैटिक वीडियो और एक्शन मोड दोनों में इंप्रूवमेंट की काफी ज्यादा जरूरत है। भागते टाइम स्टेबलाइजेशन तो तगड़ा वाला आ जाता है, बट अगर गौर से देखोगे तो डिटेलिंग इतनी अच्छी नहीं आ पाती, हल्के हल्के ग्रेन्स आपको नजर आ जाएंगे इतनी ज्यादा लाइट में भी। लेकिन नॉर्मल वीडियो काफी तगली रिकॉर्ड कर सकते हो, दिन हो, दोपहर हो, रात हो, मतलब वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं आती, और स्टेबलाइजेशन नेक्स्ट लेवल मिलता है भाई। लाइक ये वीडियो देख सकते हो, ब्रेकर्स के ऊपर से गाड़ी भगा दी, बट स्टेबलाइजेशन कितना खतरनाक है भाई। वैसे आप ये वाली क्लिप भी देख सकते हो। अच्छा, वीडियो के साथ साथ आप माइक की क्वालिटी भी टेस्ट कर सकते हो। तो अभी लाइक काफी हाई कहीं कहीं वाला एरिया है, बट हम कोशिश कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्ड करने की। तो अभी दिखाते हैं कि कैसी क्वालिटी आ रही है प्रॉपर। देख सकते हो आवाज शायद कम ही आ रही होगी। अब काफी लोग 12 मेगापिक्सल और 24 मेगापिक्सल को लेकर कंफ्यूज हैं, तो डोंट कंफ्यूज यार, क्योंकि इसका मेन सेंसर इज कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग 48 मेगापिक्सल फोटोज, लेकिन जो डिफॉल्ट शूटिंग मोड है वो 24 मेगापिक्सल ही रहता है, जिस वजह से इमेज का साइज बड़ा नहीं होता और पिक्सल्स को कम करके इमेज के अंदर बेटर डायनामिक रेंज एंड बेटर शार्पनिंग देखने को मिल जाती है। वैसे हमने 12 मेगापिक्सल और 24 मेगापिक्सल दोनों से काफी सारे फोटोज कैप्चर करके देखे हैं, तो क्वालिटी वाइज तो दोनों में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, बट थोड़ा सा फर्क है दोनों के साइज में। आई मीन जो 24 मेगापिक्सल वाला फोटो वो साइज में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो ओवरऑल कैमरा का तामझाम काफी खतरनाक वाला है। कुछ चीजें थी जो आपको बता दी, बाकी कुछ कमियां आपको आगे पता चल जाएंगी। बाकी डिटेल्ड कैमरा रिव्यू हम इसका लेकर आने वाले हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, बहुत जल्दी वीडियो आपको मिल जाएगी। स्पीकर थोड़ा सा लाउड है 14 से, वैसे हम 13, 14, 12 सबके रिव्यू कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अच्छा, 15 सीरीज में फाइंड माई फ्रेंड फीचर मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप अपने आसपास खोए हुए फ्रेंड या फिर अपनी सहेली को ढूंढ सकते हैं। है कोई सेंस इस बात का भाई, जब दोनों के पास में फोन है तो कॉल करके भी तो एक दूसरे से लोकेशन पूछ सकते हैं। बैटरी 1.5 घंटे के अंदर अंदर फुल चार्ज हो जाती है, और 9 से 9.5 घंटे तक आप आराम से यूज कर सकते हो। अगर आप थोड़ा नॉर्मल यूज करोगे तो 10-11 घंटे भी चला सकते हो। केबल इस बार एप्पल वालों ने काफी अच्छी दी है, मतलब पहली चीज तो ये उलझेगी नहीं, और दूसरी चीज साइड से क्रैक होने के बिल्कुल 0 चांसेस है। A16 चिप पुराने के मामले काफी सही काम करती है, एप्स काफी फास्ट ओपन हो जाते हैं, स्क्रॉलिंग या फिर मल्टीटास्किंग में कोई भी रोना धोना नहीं होता, रैम मैनेजमेंट भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, और जितने भी हैवी वाले गेम्स हैं सभी गेम बिना रुके बिना झुके, मतलब पुष्पा की तरह काफी आराम से चल जाते हैं। काफी देर मैंने गाड़ियां भगा के देखी, पूरी रेस खींच दी भाई, और लास्ट में जीत भी गया। उसके बाद गोलीबाजी भी करी, कुछ मर्डर भी हुए मेरे हाथों, चाकू उठा के मैंने गला भी काटा, लेकिन कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन 30-40 मिनट के बाद में आईफोन के अंदर हल्की हल्की गर्माहट आने लगती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई भी फ्रेम ड्रॉप या फिर लैगिंग वगैरह देखने को नहीं मिलती। बाकी कनेक्टिविटी, सेंसर्स, फेस आईडी, मतलब सारी चीजें नेक्स्ट लेवल हैं। अब पड़ोस वाली आंटियों की तरह थोड़ी सी बुराइयां कर लेते हैं। मैंने डिस्प्ले के टाइम पे बोला था, जब आउटडोर यूज करते हो तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर दिखाई देती हैं, क्योंकि 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, लेकिन जैसे जैसे आपका आईफोन गर्म होता जाता है सनलाइट की वजह से, वैसे वैसे डिस्प्ले की ब्राइटनेस अपने आप कम होती जाती है। फिर चाहे आप ब्राइटनेस को फुल ही क्यों ना कर दो, उस टाइम पे आपको अपनी आंखों पे थोड़ा जोर देना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर नॉर्मल होता जाता है
डिस्प्ले वापस से सही होती जाती है। लेकिन आईफोन में भी ऐसी दिक्कत होना सही चीज नहीं है ना यार। सबको पता है 60 हर्ट्ज मिलती है और ये काफी दुख की बात है, लेकिन मैं आपको सच बता दूं, आईफोन चलाते हुए कहीं भी आपको ये चीज फील नहीं होगी। हाँ, प्रो मॉडल्स वालों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन प्रो मॉडल वाला बेस मॉडल पे शिफ्ट ही क्यों होगा भाई। लेकिन फिर भी एप्पल को रिफ्रेश रेट अपग्रेड करना चाहिए। अब एक बार को मान लेते हैं कि फाइंड माई फ्रेंड वाला फीचर काम आ सकता है। चलो ठीक है, आपने पीछे के जो एजेस हैं वो थोड़े से कर्व कर दिए, लेकिन फिर भी 13, 14, 15 लगते तो एक ही जैसे हैं। पीछे का थोबड़ा कब बदलोगे भाई। अब एक काम की बात बताता हूँ, अगर आपकी जिंदगी में कैमरा बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, मतलब आप सुबह सुबह उठते ही आंखें खोलने से पहले अपने फोन का कैमरा खोलते हो, मींस इफ यू आर क्रिएटर या फिर प्रोफेशनल वाला कैमरा पर्सन, तो फिर एक किडनी बेच के आईफोन 15 खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको कैमरा डायनेमिक आइलैंड या फिर टाइप सी से कोई मतलब नहीं है, बस आपको एक आईफोन चाहिए जिसमें अच्छे खासे फोटोज आ जाएं और आराम से 3-4 साल आप उसे यूज कर सको, तो फिर 14 भी ले सकते हो। अगर आपके पास 13 या 14 पहले से ही है तो आई डोंट थिंक कि 15 में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी आप अपनी राय बताओ कमेंट सेक्शन में। अगर आपको आईफोन 13 का रिव्यू देखना है तो यहाँ देख सकते हो, आईफोन 14 का रिव्यू यहाँ देख सकते हो, 13, 14 में कौन बेटर है यहाँ देख सकते हो। बाकी डू सब्सक्राइब यार।